हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल्स गुरु। मेरा नाम आकाश है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पीसी बिल्ड के बारे में, पीसी बिल्ड अंडर ₹40,000। तो दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को भी कंटिन्यू कर देते हैं। सो गाइज, लेट्स डू समथिंग, टेक इट टुडे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पीसी बिल्ड पर मैंने पहले भी दो वीडियोस बनाई हैं, पीसी बिल्ड अंडर ₹20,000 और पीसी बिल्ड अंडर ₹30,000। तो फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इन वीडियोस को पहले देख लें, बिकॉज गाइस, अगर आप एक बजट का पीसी बिल्ड करना चाह रहे हैं तो प्लीज आप इन वीडियोस को पहले देख लें। इन वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी, या फिर फ्रेंड्स आपको जो कॉर्नर में आई बटन दिखेगा आप वहां से भी इन वीडियोस पर रिडायरेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं अभी हम अपने पीसी बिल्ड अंडर ₹40,000 की। तो फ्रेंड्स, जो आज का हम ये पीसी बिल्ड कर रहे हैं, ये पीसी बहुत ही बेटर होने वाला है। मतलब गाइस, इसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग और गेमिंग का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पा सकते हैं। फ्रेंड्स, जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि अडोबी प्रीमियर प्रो, अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, हिटफिल, ऐसे जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं, उनको आप अपने इस पीसी में आराम से चला पाओगे। और उसके अलावा इनकी जो रेंडरिंग स्पीड है वो काफी बेटर होने वाली है, बिकॉज गाइस, जो मैं इसमें आज ग्राफिक कार्ड यूज करूंगा वो बहुत ही बेटर होने वाला है। और गाइस, उसके अलावा आप इसमें GTA 5, जस्ट कॉज 3 ऐसे बड़े बड़े गेम्स को अल्ट्रा HD सेटिंग्स पे खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स, और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ, ये पीसी फ्यूचर में अपग्रेडेबल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा आप इसमें फ्यूचर में अपग्रेड क्या कर सकते हो। और गाइस, मैं आपको बता दूं एक बात और, कि आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखें, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि गाइस, मैं इसमें काफी ऐसी टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हम इसके कंपोनेंट्स की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स, प्रोसेसर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है इंटेल का कोर i3 7100, मतलब कि इंटेल का i3 प्रोसेसर यूज किया है जिसकी जनरेशन है 7th। तो फ्रेंड्स, ये मैंने प्रोसेसर यहाँ पे यूज किया है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फीचर्स की। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रोसेसर के अंदर सॉकेट टाइप मिल जाता है LG 1151 का। इस प्रोसेसर की आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है 3.9 GHz की। उसके अलावा आपको इसमें 2 पोर्ट्स और 4 थ्रेड्स मिल जाएंगे। उसके अलावा गाइज, आपको इसके अंदर 3 MB का कैशे मिल जाएगा। आपको इसके अंदर इंटेल के HD ग्राफिक्स मिल जाएंगे 630। उसके अलावा आपको इसमें इंटेल की वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी, और उसके अलावा आपको इसमें इंटेल की हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। मतलब फ्रेंड्स, आपका जो ये प्रोसेसर है फ्रेंड्स, ये एज अ क्वाड कोर वर्क करेगा। तो गाइस, ये इसकी हाइपर थ्रेडिंग का मींस होता है। उसके अलावा आपको इंटेल का केबी लेक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स, ये केबी लेक प्लेटफॉर्म होता क्या है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, इंटेल का एक कोड नेम होता है केबी लेक, जो वो अपने प्रोसेसर को देती है। तो गाइस, इसके अंदर जो 40 नैनोमीटर की जो चिप होती है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है इसकी टेक्नोलॉजी में। तो फ्रेंड्स, अभी ये हो गया प्रोसेसर हमारा। अब हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस है ₹8,587। और गाइस, ये आपको Amazon पे मिल जाएगा। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, वो है हमारा एक मदरबोर्ड। तो फ्रेंड्स, मदरबोर्ड के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया है MSI H110M Pro VH प्लस सॉकेट LG 1151 मदरबोर्ड। मतलब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक MSI का मदरबोर्ड चूज किया है। तो फ्रेंड्स, अभी हम इस बात कर लेते हैं फीचर्स की। तो फ्रेंड्स, इसके फीचर्स हैं, आपको इसमें सॉकेट टाइम मिल जाएगा LG 1151 का, मतलब कि ये हमारे प्रोसेसर के साथ में बिल्कुल कॉम्पेटेबल है। उसके अलावा गाइज, आपको इसमें DDR4 की 2 स्लॉट मिल जाएंगी। तो गाइज, ये बहुत ही सही है, इसमें बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सपोर्टेड है रैम। उसके अलावा गाइज, आपको इसमें 1 PCIe 3.0 की स्लॉट मिलेगी और 2 PCIe 2.0 की स्लॉट मिल जाएंगी। उसके अलावा फ्रेंड्स, आपको इसमें 4 SATA 3 के पोर्ट्स भी मिल जाएंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, मतलब कि ये जो ATX और माइक्रो ATX, ये फ्रेंड्स मदरबोर्ड के जो हम कह सकते हैं वैरायटीज होती है, तो उसमें से ये माइक्रो ATX है, तो छोटा वाला है। तो वैसे बहुत ही सही है, हमारे कैबिनेट में भी आराम से फिट हो जाएगा। गाइस, इसकी जो प्राइस है वो है ₹3,717। गाइस, ये भी आपको Amazon पे मिल जाएगा। गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड प्रोडक्ट की, जो कि है हमारी एक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो फ्रेंड्स, रैम के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया है क्रूशियल 8GB किट 4GB x 2 DDR4 RAM। मतलब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्रूशियल की 8GB की रैम चूज की है। आपको इसमें 4GB की 2 स्टिक्स मिलेंगी, जो कि एक DDR4 RAM है, मतलब कि डबल डेटा रेट 4। इसकी जो स्पीड होने वाली है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है फ्रेंड्स। अब हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, का ब्रांड है वो है क्रूशियल। आपको इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। और जो रैम की साइज है वो है 4GB x 2, मतलब कि फ्रेंड्स, आपको इसमें 4GB की 2 स्टिक्स मिल जाएंगी। उसके अलावा इसकी जो रैम मेमोरी की जो टेक्नोलॉजी है वो है DDR4 डबल डेटा रेट 4, जो कि बहुत अच्छी नई बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो इस रैम की स्पीड है वो है 2133 MHz, जो कि बहुत अच्छी स्पीड होती है। और फ्रेंड्स, जो इसकी प्राइस है वो है ₹6,499 ऑन Amazon। तो
फ्रेंड अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, वो है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के लिए फ्रेंड कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, बस एक ही है जो मैं हर बार चूज करता हूँ, वो है WD। WD वेस्टर्न डिजिटल सबसे बेस्ट हार्ड डिस्क है वर्ल्ड में। तो मैंने यहाँ पे चूज की है WD की 1 TB की इंटरनल हार्ड ड्राइव। तो अभी हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको इसमें फ्रेंड्स मिल जाएगा अपग्रेड एंड बैकअप विद ईज, मतलब आपको इसमें बैकअप का अच्छा खासा स्पीड मिल जाएगी। आपको इसमें फ्यूचर प्रूफ स्टोरेज है फ्रेंड्स, इसमें आपका जो भी आपका डेटा रहेगा वो बिल्कुल स्टोर रहेगा, फ्यूचर प्रूफ है बिल्कुल। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1 TB, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसकी जो RPM है वो है 7200, इसकी 64 MB की बफर साइज है और 3.5 इंच की जो इसकी साइज है। इसकी जो प्राइस है वो है 3,299 rupees। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ग्राफिक कार्ड। तो फ्रेंड्स ग्राफिक कार्ड के लिए हमने यहाँ पे चूज किया है जोटेक GeForce GTX 1050 Ti OC Edition। मतलब फ्रेंड्स बहुत ही लेटेस्ट जमाने का ग्राफिक कार्ड है और बहुत ही बेटर ग्राफिक कार्ड है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स GeForce GTX 1050 Ti इसका मॉडल है, 768 कूड़ा कोर्स है इसमें। मतलब फ्रेंड्स आप सोचेंगे CUDA कूड़ा होता क्या है, तो फ्रेंड्स कूड़ा होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर। तो फ्रेंड्स ये कूड़ा एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से जो आपका ग्राफिक कार्ड है इसका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो जाएगा। तो गाइस ये हेल्प करती है ग्राफिक कार्ड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। गाइस इसकी जो साइज है, मेमोरी है ग्राफिक कार्ड की वो है 4GB DDR5 पर बेस्ड है, 128 bit की मेमोरी बस है इसकी। उसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो इसमें इसका बेस मेमोरी है वो है 1392 MHz, आपको इसके अंदर 1506 MHz का बूस्ट मिल जाएगा और 7 GHz की इसमें आपको मेमोरी की क्लॉक भी मिल जाएगी। फ्रेंड्स जो इसकी पावर कंजप्शन है वो काफी एफिशिएंट है, वो है सिर्फ और सिर्फ 75 W। गाइस इसके अंदर आपको डायरेक्टएक्स 12 का सपोर्ट मिल जाता है, 4.5 OpenGL का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल फैन कूलिंग है और डुअल स्लॉट है। ये सपोर्ट करता है विंडोज 10, 8, 7 को। और जो आप ये ग्राफिक कार्ड इसकी लेंथ है फ्रेंड्स 174 mm इंटू 111.15 mm। और फ्रेंड्स जो इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस है गाइस वो है 17,500 रुपए। मतलब गाइस जो हमारी पूरी बिल्ड में जो सबसे एक्सपेंसिव चीज है वो है हमारा ग्राफिक कार्ड। बट गाइस ग्राफिक कार्ड को हम सस्ता वाला नहीं ले सकते क्योंकि गाइस जो हमारा पूरा कंप्यूटर है ग्राफिक कार्ड इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर गेमिंग खेलना चाहते हैं या फिर हम वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड इज दी मस्ट। तो फ्रेंड्स इसलिए हमने ग्राफिक कार्ड पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रोडक्ट है वो है पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स पावर सप्लाई के लिए मैंने यहाँ पे चूज की है कॉर्सियर VS450 450 W पावर सप्लाई। मतलब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे एक कॉर्सियर की पावर सप्लाई चूज की है। तो फ्रेंड्स अभी हम इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं। इस पावर सप्लाई के अंदर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाएगी। इसका जो AC इनपुट है वो है 200-240 VAV, बहुत अच्छी क्वालिटी है इस पावर सप्लाई की और 450 W की पावर सप्लाई है, बहुत ही पावर एफिशिएंट है, बहुत ही कम पावर यूज करती है। वो गाइस बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको इस पावर सप्लाई का। और जो फ्रेंड्स इसकी जो प्राइस है वो है 2,398 rupees ऑन Amazon। फ्रेंड्स उसके अगला जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट है वो है कैबिनेट। मतलब फ्रेंड्स जितने सारे हमने ये प्रोडक्ट ले तो लिए बट फ्रेंड्स इनको हम यहाँ पे अभी रखें किस में, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कैबिनेट का। तो फ्रेंड्स कैबिनेट के लिए मैंने यहाँ पे चूज किया BBC को। मतलब फ्रेंड्स BBC कंपनी है गाइस, बहुत ही बेटर कंपनी है, इसकी जो कैबिनेट है वो बहुत ही गेमिंग के लुक के आते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे BBC का मैंने 8801 विद साइड फुल एक्रेलिक पैनल वाला मैंने यहाँ पे कैबिनेट चूज किया है। अभी हम इसकी फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको एक 3.0 का USB मिल जाएगा। इसका जो पूरा आधा साइड है फ्रेंड्स वो पूरा ट्रांसपेरेंट, मतलब गाइस आप बाहर से इसमें सारे प्रोडक्ट्स को अंदर देख पाओगे। आपको इसके अंदर एक 33 LED का फैन भी मिल जाएगा। गाइस उसके अलावा ये सपोर्ट करता है ATX और माइक्रो ATX मदरबोर्ड को। मतलब फ्रेंड्स हमारा जो मदरबोर्ड है वो है माइक्रो ATX, तो ये उसको सपोर्ट करता है। गाइस जो इसकी प्राइस है वो है 2,699 rupees ऑन Amazon। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे सारे कंपोनेंट्स। तो फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं इस पूरी रिग को, मतलब कि मैं आपको पूरी रिग दिखा देता हूं आप एक बार, फिर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो अभी। तो हमारा जो पूरी कंप्लीट रिग है वो ऐसे है कुछ। प्रोसेसर है जिसकी प्राइस है 8,587 rupees, मदरबोर्ड जिसकी प्राइस है 3,717 rupees, रैम जिसकी प्राइस है 6,499 rupees, हार्ड डिस्क जिसकी प्राइस है 3,299 rupees, ग्राफिक कार्ड जिसकी प्राइस है 17,500 rupees, उसके अलावा SMPS या फिर पावर सप्लाई जिसकी प्राइस है 2,398 rupees और जो हमारा कैबिनेट है उसकी प्राइस है 2,699 rupees। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये पूरा टोटल हो जाता है वो हो जाता है करीब 44,699 rupees। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारी कंप्लीट रिग। तो फ्रेंड्स अभी आप सोचेंगे आप इसमें अपग्रेड क्या कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स समझ लीजिए, मतलब आपके पास कभी बाद में पैसा आ जाता है थोड़ा ज्यादा तो आप इसमें अपग्रेड क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं इसका प्रोसेसर, इसका मदरबोर्ड, कुछ भी आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स अगर हम प्रोसेसर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो हम इसमें डाल सकते हैं इंटेल का कोर i5
7400, मतलब कि 7 जनरेशन का आप इसमें कोर i5 डाल सकते हैं, जिसकी प्राइस होगी 12,996 रुपीज ऑन Amazon। तो फ्रेंड्स ये आप इसमें अपग्रेड कर सकते हैं, वरना फ्रेंड्स जो मैंने आपको ये पीसी बताया है, अगर आप इसमें i3 प्रोसेसर भी रखते हैं तो भी आपको इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा गेमिंग और वीडियो एडिटिंग का, तो बहुत गजब का पीसी है फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स उसके अलावा गाइस अभी मैं आपको बताता हूँ, गाइस आपने ये प्रोडक्ट तो ले लिए बट गाइस अभी आप इनको असेंबल कैसे करें। तो फ्रेंड्स आप एक किसी भी शॉप पे जा सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप पर, वहां पर आप उनको कह सकते हैं कि आप वो इनको असेंबल कर दें, तो फ्रेंड्स वो पूरे प्रोडक्ट्स को आराम से असेंबल करके आपको दे देंगे। गाइस उसका वो थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे लाइक 1000 रुपीज मैक्स है ज्यादा ज्यादा, तो फ्रेंड्स आप इनको असेंबल करा सकते हैं दुकान पर किसी भी। तो उसके अलावा गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी मैंने आपको लिंक्स बताई है इस वीडियो में लाइक जितनी भी प्रोडक्ट्स की, उन सब लिंक्स को आप Amazon की सारी वो लिंक्स है फ्रेंड्स, वो सारी लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। और उसके अलावा गाइस अगर आप एक डीवीडी राइटर, वाईफाई अडैप्टर, यूएसबी कुछ भी कंप्यूटर की एसेसरीज खरीदना चाहते हैं तो वो सारी लिंक्स भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगी, क्योंकि गाइस मैं आपको जितनी भी प्रोडक्ट्स बताता हूँ गाइस ये बहुत ही सही होते हैं, क्योंकि गाइस मैं बहुत ही रिसर्च करता हूँ इन पर, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल बेस्ट चीज बताना चाहता हूँ जो चीप भी हो और जिसकी क्वालिटी भी काफी बेटर हो। तो फ्रेंड्स ये सारी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इस बिल्ड के, तो ये था हमारा पीसी बिल्ड अंडर ₹40,000। तो फ्रेंड्स अगर उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे फ्रेंड्स लाइक करें और शेयर करें गाइस, जिसे फ्रेंड्स रिलेटिव जो भी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं या फिर वो नया पीसी खरीदना चाहते हैं तो गाइस वो भी इस वीडियो को सीख सकें, तो प्लीज इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि गाइस मैं अपने चैनल पर ऐसी ही रोजाना टेक वीडियोस लाता रहता हूं। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग ट्यूटोरियल्स गुरु। गुड बाय।